नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इसी वीडियो के तीसरे पार्ट में, राजस्थान सफारी एपिसोड 2 के तीसरे पार्ट के अंदर। तो ये आपको यहां पे थोड़ी सी ऐतिहासिक चीज़ें और आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम जो है थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा रास्ता ढूँढने में तकलीफ हो रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पर जो है दुर्ग निवास है, इसके अंदर चल के देखते हैं। ये जो आप जो देख रहे हैं, ये जो है वाइट मार्बल यूज किया गया, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है कलाकारी की हुई है वो आप देख सकते हैं। इसी हिस्से के अंदर जो है ज़्यादा इतना काम नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ये आपको यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाई दे रहा है, नीचे आपको जो एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा, सॉरी फाउंटेन आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। ये कितने अच्छे तरीके से कलाकारी की हुई है, और यहाँ पे भी कुछ पुरानी तस्वीरें कुछ यहाँ पे संरक्षित करके रखी गई हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कलाकारी की गई है। ये छत की तरफ थोड़ा सा नज़र डालते हैं, ये यहाँ पे लिफ्ट लगाई हुई है जो कि अभी बंद है। ये आप थोड़ा सा नजारा देखिए, यहाँ पे कितना खूबसूरत तरीके से इस किले को बनाया गया। ये जो है हवा और रोशनी आने के लिए कुछ जालियां यहाँ पे लगाई हुई हैं। इससे नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो एयरक्राफ्ट यूज किया गया था वो यहाँ पे सुरक्षित करके रखा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको नीचे चल के पूरा दिखाते हैं। इस तरफ से बाहर का नजारा आ रहा है, ये जो जालियां आपको दिखाई दे रही हैं ये हवा और रोशनी आने के लिए लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जाली हैं ये भी अभी तक कहीं से भी क्षतिग्रस्त नहीं है, काफी अच्छे तरीके से इन्हें मेंटेन करके रखा हुआ है। ऐसे चलते चलते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, पैरों में दर्द होने लग गया है चलते चलते, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। यहाँ पे कुछ पत्र हैं वो लगाए हुए हैं, ये जो आप हैंडराइटिंग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे, ये कुछ पुराने पत्र जो हैं वो संरक्षित करके रखे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत जगह जो है मिरर आपको काफ़ी ज़्यादा जगह लगे हुए मिलेंगे, और जो कि दीवार के अंदर लगाए गए हैं, दीवार के अंदर की तरफ लगाए गए हैं। थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है कुछ हथियार संरक्षित करके रखे हुए हैं। ये यहाँ पे कुछ बंदूकें आपको दिखाई देंगी,
ये बंदूकें यहाँ पे रखी हुई हैं और भी काफ़ी सारे हथियार आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये कुछ कटार टाइप के, इनका नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये भी जो है युद्ध के समय यूज किए जाते थे। ये तलवारें यहाँ पे रखी हुई हैं, तलवार आप देख सकते हैं। इनमें से एक तलवार मेरे को बहुत पसंद आई, आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो के अंदर। उसके अंदर जो हाथ के अंदर जो पकड़ने वाला हैंडल था उसका, वो काफ़ी अच्छा था, तो वो आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसके लिए मैं इस वीडियो को जो है पार्ट के अंदर करके डाल रहा हूँ। इस वीडियो के टोटल 4 पार्ट हैं, आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं, चारों पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हथियार यहाँ पे कुछ इस तरीके से सुरक्षित करके रखे हुए हैं। ये एक बंदूक है, काफ़ी पुरानी बंदूक है और इसकी साइज जो है वो तकरीबन 7 फुट लंबी है बंदूक थी। ये यहाँ पे तलवारें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये वाली जो तलवार है ये मेरे को बहुत पसंद आई, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका हाथ वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हैंडल है वो कितने अच्छे तरीके से, और इस तलवार की लंबाई आप देखेंगे तो तकरीबन 5 फुट लंबी ये तलवार है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आपको और हथियार दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ढाल रखी हुई है यहाँ पे, ये भाला यहाँ पे रखा हुआ है, तलवारें रखी हुई हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है, तलवारों की जो चमक है वो हूबहू बरकरार है। अभी तक ये तीर यहाँ पे रखे हुए हैं, तरकस के अंदर तीर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी तक आपने इसका नाम सिर्फ किताबों में सुना होगा, देखा नहीं होगा। तरकस जो है वो मुख्य रूप से तीरों को, तीर रखे जाते थे। ये बंदूकें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये फिर से कुछ भालों के ऊपर ऊपरी हिस्से हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। जो भाले की जो नोक होती है जिसे फेंक के वार किया जाता था वो यहाँ पे रखे हुए हैं। ये तलवारें यहाँ पे हैं। तो हथियारों की यदि बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर हथियार रखे हुए हैं जो युद्ध के समय यूज लिए गए हैं या फिर यूज लिए जाते थे। ये अलग अलग तरीके की तलवार यहाँ पे रखी हुई हैं और ये जो आपको दिखाई दे रही है तकरीबन 8 फुट लंबी ये बंदूक है। ये और तलवारें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये यहाँ पे जो है छोटी तोप रखी हुई है, इनका नाम क्या है वो नाम तो मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन आप देख सकते हैं। ये इस साइड फिर से बंदूकें रखी हुई हैं, ये कुछ बंदूकें यहाँ पे भी रखी हुई हैं। अगले पार्ट में जरूर देखिएगा, उसमें भी आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जो है राजस्थान सफारी के अगले एपिसोड अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।